जाना है अभी HDFC बैंक। पैसा ही पैसा हो गया। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मोड व्लॉग में। और हमें जाना है अभी HDFC बैंक। कहाँ है वो? अच्छा वो तो आगे है। यहाँ और यहाँ में कंफ्यूजन हो जाती है मुझे भाई लोग। एक भाई बैंक में ना चले जाओ तुम, तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि बस। अरे ये तो यूनियन बैंक है वो। शूट यार, छोड़ यहीं रहने दे मानो भाई। गजब तू भी बाज आदमी। अब तो वैसे ही बैंक बंद करने का टाइम आ गया है। क्या बोला तूने? भाई लोग दो मिनट दें मुझे। दो मिनट में आया तुम्हारा भाई HDFC से। ओके गाइस, तो भाई लोग यहाँ तो काम हुआ नहीं, अब चलते हैं नीचे। नीचे होएगा काम। अरे यार टैक्सी भाई हट जाना यार, वैसी देर टोरी बैंक बंद हो जाएगा 5 बजे। धूम धूम। वैसे भाई लोग एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, मेरा एक फ्रेंड है जो कि डेयरी से देहरादून आ रहा था आज सुबह, और भाई ने अपनी जो राइडिंग जैकेट है उसकी पॉकेट में वो रखा हुआ था, कहते हैं पेन। भाई साहब उसकी राइडिंग जैकेट से वो पेन पता नहीं जिप कैसे खुली, जिप खुली पेन उड़ के बाहर निकला, और पेन बाहर जैसे ही निकला पीछे वाली गाड़ी में शीशे में लगा और उड़ गया उस बेचारे का शीशा। और भाई को उन्होंने बताया पकड़ करके कि भाई तुमने ऐसा कांड करा पीछे हमारे साथ। भाई ने कहा होगा भाई हो गया, अब क्या करूं मैं भी, कि मेरी जेब में पेन था और स्पीड में था मैं तो वो निकल गया, अब मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ। तो उन भाइयों ने जो अंकल आंटी थे उन्होंने पैसे दिए शीशे के, अब क्या करें, दिए फिर भाई ने बीच हाईवे पे। शुक्र भाई के पास थे। भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि मानो भाई ग्रैंड आइटन का शीशा कितने का होगा? मैंने कहा 3,500-4,500 रुपये का होगा, इससे ऊपर तो नहीं होगा। तो 4,000 रुपये ले लिए भाई ने, अंकल आंटी ने मतलब। तो 4,000 रुपये की वो करी अंकल आंटी ने आज, कहते हैं कमाई। हाँ मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, अभी मैं बैंक गया था जो HDFC गया था उससे पहले वाले जहाँ गया था मैं। भाई साहब यार पीछे पड़ जाते हैं यार इंश्योरेंस के, FD के, इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं साले। क्या करूँ मैं इनका, कुछ बता सकता, कोई बता सकता है मुझे इन्हें क्या गोली दी जाए भाई? इंश्योरेंस और अरे पल्सर वाले भाई तुम्हें ज़्यादा जल्दी हो रही, तुम ही चले जाओ। बड़ा हरामी हो बेटा। एक तो भाई क्या क्या मिलता होगा इन्हें भाई, मत दिया करो यार बड़े बड़े बैंक्स, अपने स्टाफ को टारगेट मत दिया करो, ऐसे ऐसे टारगेट मत दिया करो कि कंज्यूमर उनके हत्ते ही ना चढ़े। फिर बोलेंगे ये कर्व दे रहा हूँ मैं, ये वो दे रहा हूँ, 50,000 रुपये दो आप मुझे हर साल, मैं इतने रुपए दूंगा, मैं उतने रुपए दूंगा, और ये दूंगा और वो दूंगा। अरे रुक तू, तूने अल्लाह अल्लाह मचा दिया इतनी देर में। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। हाँ उड़ा देता हूँ, रुक जा भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? उड़ा दी मैंने, देखा जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो मैं नहीं करता। ओके गाइस, ओके। अरे भाई कितना हॉर्न बजाते हैं यार। कहाँ गए HDFC बैंक? आ जाओ मेरे बैंक। ये रहा, मिल गया हमें सिस्टम है बैंक का। A few moments later. So भाई लोग ये HDFC वाला काम भी निपटा लिया अपन ने, और अब अपन लोग जा रहे हैं
कोचिंग से फ्री हो जाए जरा, कोचिंग से फ्री होते ही मैं फिर मैकबुक पर लैमिनेशन या फिर टेम्पर्ड कह लो, बॉडी पर लैमिनेशन और स्क्रीन पर टेम्पर्ड लगवाने जाना है, वो काम निपटाना है वहाँ से। उनके ओम गाइस। एक तो भाई साहब, अरे हाँ आप लोगों को बताना भूल गया, एक वीडियो व्लॉग मैंने वीडियो बना रखी है, मकोबरा का बैग मेरा आ चुका है और उसकी वीडियो भी बना चुकी है अनबॉक्सिंग की। ये फंस गया सी है। आए वही थी क्यों बोलता तू रोक, तू मिल के आया मुझे यहाँ उतार दे, तू अलग ही है, जाने भी नहीं दे रहा मुझे, रोक मिल गया मेरा क्या भाई ना, अब क्या तो आगे भाई था भाई। सो भाई लोग लेमिनेशन वगैरह हमने छुड़वा दी है, टेम्पर्ड भी लगवा दिया है और मैन ऑफ बिस्ट फिल्म का मैकबुक हो गया और हमें कहते हैं लैपटॉप वो मैकबुक में लैमिनेशन छुड़वाने पे HCL का लैपटॉप फ्री भी मिला एक है ना रोहित भाई, मिला ना यार, ये नहीं यकीन नहीं आ रहा होगा, दिखा देगा इन्हें आगे दिखाएंगे आगे। चलो भाई लोग आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ये भी कहेंगे मैं इनका लैपटॉप का ढेर लेके घूम रहा है तो लैपटॉप ही लैपटॉप हो रहा है इसकी जिंदगी में आजकल। देख कैमरा गेट पे लगा हुआ, अरे कैमरे सो भाई लोग लैपटॉप दोनों तीनों लैपटॉप्स ठीक करा लिए और एक्चुअली मैं ये लैपटॉप्स मैंने डोनेशंस के लिए सोच रखे हैं। चला भाई से बीच रोड में रोक के बैठ गया, भाई लोग लैपटॉप्स सारे ठीक करा लिए हैं। एज यू ऑल नो मैंने दो तीन लैपटॉप्स थे और एक मैकबुक थी जो कि जिसकी लैमिनेशन उतर के नहीं चढ़नी थी, ये सारा काम मैं करा रहा हूँ। प्रीवियस किसी व्लॉग में मैंने बताया भी था एंड मैंने कुछ सेलेक्टेड पीपल कर भी लिए हैं, अभी इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डालना पेंडिंग है मेरा, बिकॉज काफ़ी चुन करके बंदे निकालने हैं, तीन लोग चाहिए मुझे जो मेरे इस चीज़ के भागीदार बने और चाहिए मुझे ऐसा बंदा ही जो ज़रूरतमंद हो, तो इसी वजह से हम ढूंढ रहे हैं कोई भाई। सो भाई लोग ये चीज़ था आज का कार्यशैली हमारी, तो सारे काम हमने निपटा लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नए व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।